वेलकम टू गोपाल स्टडी पॉइंट। दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 6 जनवरी 2019 को जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ है उसका आज हम मैथ सॉल्यूशन लेके आए हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों मेरे पास जो है अभी ये डी सीरीज है, अब डी सीरीज से आप क्वेश्चनों को मैच कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन का जो क्रम है वो अलग अलग हो सकता है सभी सीरीज में, तो इसलिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं और मैं उसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा और एकदम सोल्व करके आपको दिखाऊंगा कि यस यही इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि डी सीरीज का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है 14 नंबर के क्वेश्चन से और क्वेश्चन दिया है बी के किस मान के लिए ए समी का बी स्क्वायर प्लस 8b इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 9b प्लस 14 सत्य है। तो दोस्तों इसका जो आंसर निकलता है वो ऑप्शन नंबर बी है और उसको हमने कैसे निकाला है वो आपको एक छोटा सा शॉर्ट आइडिया दे देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम बी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 इसमें पुटअप करते हैं, तो 5 पुटअप करने के बाद में इधर हमारा आता है 65 और दूसरी साइड में आएगा हमारा 59। तो जिस तरह से 69 यानी कि 65 क्या होगा दोस्तों, 65 क्या होगा, ग्रेटर देन है किससे, 59 से। तो इस तरह से एक कंडीशन हमारी इसमें मिल जाती है। और यदि हम b की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल माइनस 4 रखते हैं तो उसी वे कंडीशन भी इसको सेटिस्फाई करती है, तो इसलिए जो उसका आंसर बनता है वो बनता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों ये बहुत ही थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन दिया है और लेकिन इसमें यदि आप ऑप्शन की साइड से आप इसको हल करेंगे तो बहुत ही आसान वे में आपको हल हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि इसमें दिया है, क्या दिया था दोस्तों कि दो कंडीशन दी थी जिसमें ए बी प्लस ए सी का मान 5ad और ए सी माइनस ad का मान 8 है, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना था। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने देखा कि 36 से बनता है नहीं बनता, तो 36 के दो टुकड़े किए 4 × 9 नहीं बनता है, 50 के लिए 50 से भी नहीं बनेगा, तो फिर लास्ट में हमने लिया 60। अब 60 से कैसे बना है दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जैसा कि ये हमारा एक आयत दिया हुआ है तो इसमें 60 के दो टुकड़े किए 12 और 5। अब 12 और 5 यदि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यदि AC का मान निकालें तो उसकी वैल्यू 13 दिखाई देगी, तो 13 मिल जाती है और 13 और AB और AD ये हमें मिल गया। अभी हमारा जो कंडीशन है AC माइनस AD में यदि हम ये सभी वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमारा आता है 8 जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से दूसरी कंडीशन में यदि लगाएं तो AB प्लस AC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 × AD यानी कि AD का 5 गुना, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो इसलिए जो इसका आंसर करेक्ट आंसर है वो है 60 वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया है 1:3 और व्यास का अनुपात। दोस्तों ऊंचाई का अनुपात यानी कि H1 और H2 का जो अनुपात है वो दिया है 1:4, तो इसी तरह से व्यास का अनुपात, तो व्यास का अनुपात यदि 4:5 है तो उसकी जो त्रिज्या होगी उसका अनुपात क्या होगा दोस्तों, उसकी त्रिज्या का अनुपात इसका आधा यानी कि 2/5/2 यानी कि 5/2 और 2/2 ये होगा, यही चीज़ हमें यूज करनी है। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा दोस्तों क्या किया, आयतनों का जो अनुपात क्या होगा 1/3 πr² होता है, तो दूसरा भी 1/3 πr² होगा, तो इसी तरह से यहाँ पर जो मैंने वैल्यू ली 2 वो r1 ली, r1 यानी कि 4 का आधा यानी कि इस 4 का आधा, और इसी तरह से यहाँ ऊंचाई इसका ये 1 लिया और यहाँ पर इसका आधा यानी कि 5 का आधा, तो और यहाँ पर ये लिया ऊंचाई, तो इस तरह से यदि हम सोल्व करते हैं तो हमारा आता है 4/5 जो कि 4/25 और 4/25 क्या है, वही हमारा क्या है इसका रेशियो है। तो दोस्तों इस तरह से इसका आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, तो ये नेचुरल प्राइम नंबर्स का औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछा गया है, तो सिंपली उसमें हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली 9 तक की जो अभाज्य संख्याएं बनती हैं उनका जो कुल योग होगा उनको 9 से डिवाइड करना है। तो इसको हमने क्या किया दोस्तों, सिंपली उन संख्याओं को ले लिया 2, 3, 5, 7 और अप टू 23 तक बनती है 9 और इनका जो जोड़ होता है वो 100 होता है और 100/9 करते हैं तो 11 1/9 इसका आंसर बनता है जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि √2916 की वैल्यू 54 है
तब इतने की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट एक दशमलव का जो मान है वो किस तरह से वैरी करता है रूट के अंदर, वो हमें जस्ट देखना है। तो इसके लिए सिंपली हमने क्या किया कि सबसे पहले हमें पता है कि 2916 का रूट का वैल्यू होती है 54, तो इसमें 16.16 की वैल्यू कितनी होगी, 2916 की, यानी कि यहाँ पर यदि अंदर में दो स्थान पर है तो बाहर में क्या होगा, एक स्थान पर होगा। इसका मतलब आधा होता है, इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर चार पर है तो यहाँ पर दो पर आएगा, पॉइंट दो पर आएगा। यहाँ पर कितना है, छः पर, तो यहाँ पर तीन अंकों पर आएगा। यहाँ पर आठ में है तो यहाँ पर चार अंकों में आएगा। तो सिंपली इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और जैसे इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.9994। तो ये इसका आंसर हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग दिया है 98, तो पहली और दूसरी। दोस्तों ये क्वेश्चंस मैंने अपने जो अनुपात का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। उसमें दो राशियों का अनुपात दिया था तो तीसरी राशि यानी कि बीच की किसी संख्या का अनुपात पूछा गया था, और उसको शॉर्ट ट्रिक से किया था, और बहुत दोस्तों बहुत ही चंद सेकंडों में उसका आंसर निकाल पाए थे। तो दोस्तों इसमें क्या दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है इतना, और दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात दिया फिर इतना, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो पहली और दूसरी का इतना, दूसरी और तीसरी का इतना, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो इसके लिए सिंपली हमने क्या किया दोस्तों कि इसको मैंने लिख लिया पहली, दूसरी और तीसरी, इस तरह से संख्या करके लिख लिया पहली, दूसरी और तीसरी। तो पहली का अनुपात, पहली और दूसरी का अनुपात 2:3, और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8, इसी के नीचे लिख लिया। तो अभी मैंने आपको बताया था उस वीडियो में भी कि इनकी करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो 3×5=15 कितना हो गया, 15, और इस 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 10, और ये 5, ये 24। तो इस तरह से 10:15:24 हो गया। अभी दोस्तों हमने माना कि संख्या एक्स है, तो इनके अनुपात का यानी कि कुल योग दिया है 98, तो इनको ऐड कर दीजिए सिंपली। तो ये हो जाएगा 49 = 49x = 98, तो x की वैल्यू 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दूसरी संख्या है वो 15x है, यहाँ पर देखिए 15x है, तो 15x में 2 की मल्टीप्लाई तो कितना हो गया दोस्तों, 30। तो 30 हो गया, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यदि त्रिज्या आर के वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप होगा। तो दोस्तों जैसा कि दिया है समषट्भुज, यानी कि सभी भुजाएं उसकी क्या है, समान है, तो और उसकी त्रिज्या दी है आर, वृत्त की त्रिज्या उसके अंतर्गत, यानी कि इस तरह से बनता है हमारा। तो ये हमारा कोई वृत्त है, इसके अंदर समषट्भुज बनाया जिसकी त्रिज्या आर है। तो यदि त्रिज्या आर है दोस्तों, तो उसके केंद्र से जो हम ये डिस्टेंस जो होगी वो उसकी भुजा के इक्वल होती है समषट्भुज के अंदर। तो यदि भुजा की जो हमारी लंबाई आर हो गई, तो टोटल यानी कि परिमाप पैरामीटर कितना होगा, 6×r, यानी कि चार भुजा सभी भुजाओं का योग। जो पैरामीटर क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का लो, वर्ग का लो या आयत का लो, सभी में यदि पैरामीटर निकालना हो तो भुजाओं का योग होता है। तो आर यदि इसकी भुजा है तो सभी भुजाएं कितनी, अच्छे हैं, तो टोटल कितना हुआ, 6r, यही इसका हो गया आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर वन सही है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, एक त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज दिया है, अंतः कोण को सुनिश्चित किया जाता है, तो सुनिश्चित किया जाता है दोस्तों कोणों के अर्धकों से। तो कोणों के अर्धकों से, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यदि हम ऐसा कोई त्रिभुज है तो इस कोण का आधा इस पर डिवाइड करता है, इसको बाइसेक्ट करता है, ये कोण इसको बाइसेक्ट करता है, इसी तरह से ये कोण इस रेखा को बाइसेक्ट करता है। तो इस तरह से जो कोणों का जो आधा है वो जहाँ पर कट करेगा, वही होगा दोस्तों ट्राइंगल का केंद्र, इन सेंटर। इन सेंटर यानी कि जो उसका अंतः केंद्र होगा, वो यदि कोणों को आधा करें तो उसका अंतः केंद्र निकल जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर टू सही। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें दिया है 100 का क्यूब का मान निकालना है, तो सिंपली इसमें हमें जो a प्लस बी का होल क्यूब, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में सर्व समीकाओं में भी सबको समझाया था कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें सिंपली हमें इसको सोल्व करने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इसको सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, तो सिंपली इसको हमें जस्ट IQ से, अपनी कॉमन सेंस से इसको जज करना था। तो किस तरह से जज करना था दोस्तों, कि सबसे पहले इसको तोड़ देते हम 1000 + 1 का होल क्यूब में, तो इसमें अभी हम देखेंगे यदि हम 1000 का क्यूब करते हैं तो हमारी कितनी जीरो आएगी, हमारी 90 आएगी, तो 90 और आगे 1, यानी कि हमारा जो डिजिट आना चाहिए वो कितना होना चाहिए,
10 डिजिट का होना चाहिए कोई भी ऑप्शन। यदि 10 डिजिट का यदि कोई ऑप्शन है तो इसका मतलब वही करेक्ट आंसर होगा। तो यही चीज़ हमने इसमें देखा है दोस्तों। इसमें यदि हम इसमें देखें तो इसमें भी 10 नहीं बनता, इसमें भी 10 नहीं बनता, केवल थर्ड ऑप्शन में ही 10 डिजिट बन रहा है। इसको सोल्व करने की पूरी आवश्यकता नहीं थी, आप आसानी से इसको देख कर ही इसका आंसर निकाल सकते थे। तो दोस्तों इस तरह से जो इसका ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट है किसी संख्या का 20%। बहुत ही आसान है, तो 120 हो तो उसकी संख्या उसी संख्या का 120% कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल ही क्या किया, सबसे पहले x का 20 निकाल लिया, वो बराबर रख दिया 120 के, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई 600। अगेन 600 का 120 पूछ रहा है, तो 600 का 120 निकाला तो वो आ गया 720, यह इसका आंसर होगा। इसी तरह के क्वेश्चन हमने दोस्तों प्रतिशतता का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें भी क्वेश्चन आपको कराए थे। नेक्स्ट देखते हैं 24 जो क्वेश्चन दिया है बिल्कुल क्वेश्चन इसी तरह का है। मैंने वीडियो में आपको समझाया था कि किस तरह से छोटी संख्या निकाली जाती है और बहुत ही आसान वे में हम उसको निकाल सकते हैं। तो इसका मैंने तरीका क्या बताया था दोस्तों, इन ये जो संख्या दी है इसका निकालने का तरीका क्या था कि इसमें सबसे पहले संख्या लिख लीजिए और सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लीजिए, अंश और हर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो इसके हैं उनका डिफरेंस ले लीजिए। तो इनका डिफरेंस क्या आता है, इसका आता है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 17, फिर इतना, यानी कि 6 यानी कि 11 माइनस 6 करिए तो कितना आएगा 5 आएगा। इसी तरह से 18 माइनस 13 करो तो 6 आएगा जो नीचे लिखा हुआ है, इसी तरह से ही कर लीजिए। फिर उसके बाद में इनके जो हमारा डिफरेंस आया इससे उनके जो अंश है उसको कर दीजिए भाग, यानी कि अंश में क्या है 6, 6 को भाग, 13 है 13 को भाग, इधर 15 है 15 को 7 से भाग, 19 है 19 को 17 से भाग, जो डिफरेंस आया है उससे भाग देना है। और भाग देने के बाद में वैल्यू प्राप्त होती है 1.1, 2.1, 2.1, 1.1 और इस तरह से 5। तो अभी हम इसमें इजीली वे में देख सकते हैं कि 1.1 सबसे इनमें छोटी है, तो 1.1 छोटी है तो मतलब इसके ऊपर की 19/36 छोटी हुई, तो 19/36 सॉरी यहाँ पर 36 है, तो कितना हुआ दोस्तों 19 कितना हुआ दोस्तों इसका 19/, तो दोस्तों इसमें हुआ 19/36, यानी कि 19/ जो मैंने 17 लिखा हुआ है इसके ऊपर की संख्या कितनी है 19/36, तो उसका आंसर हुआ 19/36, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है 4 सही है, कौन सा 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हो तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट घटा दिया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों मैंने क्षेत्रफल और परिमाप वाले जो वीडियो में बताए थे और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, तो ये था दोस्तों a/100 प्लस माइनस होता है a और इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला था। सिंपल इसमें पुटअप करना था a की वैल्यू 25, तो जैसे a की वैल्यू हम 25 पुटअप करते हैं तो 25 ए प्लस, क्योंकि वृद्धि हुई है तो प्लस कर दो 125 × 100, तो सीधा कट गया 5, 5 से 20, तो इसका आंसर आ गया 20%, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.27 का बार बराबर है, तो 1.27 का बार बराबर है तो दोस्तों इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया है। ये देखिए आपको कि सबसे पहले 1.27 के बार को हम x के बराबर लिख लेते हैं, 1.27 यानी कि बार किसी भी संख्या के ऊपर यदि लगा दे तो उसका रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है, इसका रूल है ये। तो x की वैल्यू निकाल दीजिए, इसको इक्वेशन वन मान लिया, इसी तरह से इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो जैसे दो दो तरफ करेंगे तो ये जो पॉइंट है दो स्थान दाहिनी तरफ चला जाएगा, तो 127.127 और 2 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 99x इजगल टू 120x, तो x बराबर कितना होगा 120x/99 और यदि इसे कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14/11, कितना आया 14/11 और 14/11 ही इसका हो गया आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है और यह 8 गुना कितने वर्षों में होगा। दोस्तों इसको देखने से ही सिंपली हम इसको कर सकते हैं कि इसको सॉल्यूशन करने की भी आवश्यकता नहीं है कि 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो 2 × 5 2 × 2 = 2 यानी कि 2 × 4 × 8, तो 8 वर्षों में पूछा है, तो 8 वर्षों में 1, 2, 3 इस तरह से 3 गुना और लगा तो 15 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 45। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक से ही कर पा रहे हैं इसको, इसको ज़्यादा डिटेल्स में करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये दोस्तों काफ़ी है और इसका जो सॉल्यूशंस है वो बहुत ही कम जो छात्र हैं जो जो हमारे कैंडिडेट्स थे वो निकाल पाए हैं, लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन बिल्कुल कंप्लीट और बहुत ही अच्छे तरह से मैं आपको इसको समझाया है।
तो यदि हमें ये दिया है दोस्तों a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z, तो बी स्क्वायर इजल टू ए सी, तो y की वैल्यू निकालनी थी इसमें। तो देखते हैं दोस्तों कैसे निकालते हैं हम इसको। सबसे पहले मैंने ये कंडीशन लिख लिया है और यहाँ पर हमारा दिया है बी स्क्वायर इजल टू ए सी, तो y की वैल्यू निकालनी है। एक रूल होता है कि यदि a की पावर x इजल टू b की पावर y हो, तो यदि मैं a निकालूँ तो ये हो जाएगा b टू द पावर y अपॉन x। तो इसी तरह से b टू द पावर y इजल टू c इजल टू z है, और तो इसमें मैं सी की वैल्यू निकालूंगा, सी इजगल टू क्या आएगा, बी की पावर वाई अपॉन जेड। अभी मेरे को ए की वैल्यू पता लग गया, बी की वैल्यू पता लग गया, और कंडीशन मेरे को दिया है बी स्क्वायर इजगल टू ए सी। तो बी स्क्वायर इजगल टू ए सी में ए और सी का मान रख लिया, तो जैसे ए और सी का मैं मान रखता हूँ तो यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाएगी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड। अभी यहाँ हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दोनों के बेस क्या हैं, बराबर हैं, और यदि किसी संख्याओं के बराबर में दी गई है और बेस उनके इक्वल हैं तो उनकी जो पावर है उनको हम इक्वल लिख लेते हैं, यह रूल हमने क्लासों में पढ़ा है। तो दो बराबर कितना हुआ, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड, तो इसका ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पर हो गया हमारा इतना एक्स जेड और यहाँ पर होगा एक्स प्लस जेड। तो यहाँ यदि मैं इसकी वाई की वैल्यू निकालता हूँ तो ये चला जाएगा ऊपर, तो इधर ऊपर चला जाएगा, तो टू एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। तो वाई की वैल्यू क्या है, टू एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। तो इस तरह से इसका हम आंसर निकाल पाए हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने इन सभी का जो सॉल्यूशंस है वो बहुत ही शॉर्ट वे में आपको निकाला है। और दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनखंड है। तो दोस्तों इसको सिंपली देखने का तरीका ये है कि यदि आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी से हो जाएगा। तो एक्स, तो यदि हम मैं देखता हूँ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं बनता है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं नहीं बनता है। तो यदि थर्ड ऑप्शन में हम देखेंगे, यदि इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये बन जाता है। तो यही इसका होगा दोस्तों आंसर, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके आपको दिखाया है। यहाँ पर जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर एक्स वाई से एक्स वाई कट जाता है, और इधर जेड एक्स से जेड एक्स कट जाता है, 3zx से, और हमारा बचता है 3yz, और 3yz यानी कि 6yz हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz हो जाएगा। तो यही इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई ए बी है, और इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी वे में दिया है, लेकिन हमें ये याद रखना है, और ये याद रखना होता है कि यदि असमांतर भुजाओं के मध्य कोई बिंदु से लंबा कोई रेखा खींची जाती है तो वो उनकी जो समांतर भुजाएँ हैं उनकी योग के आधी होती है। तो दोस्तों इसको मैंने इसको भी हल किया है, जैसा कि हम देख सकते हैं एक समलंब चतुर्भुज है इस तरह का, तो इसमें जो ये मध्य भुजा है इसकी जो लंबाई है वो इन दोनों के योग के आधी होती है। ये प्रॉपरली मैंने इसको सिद्ध किया था, उसके लिए सबसे पहले मैं एरिया निकाल लेता हूँ, एरिया पहले इस पार्ट का एरिया निकाल देता हूँ, तो ये हो गया हमारा, फिर इस पार्ट का एरिया निकाल लेता हूँ तो ये हो गया हमारा, अभी मैं फुल एरिया को निकाल लेता हूँ तो ये हो गया हमारा। अभी दोस्तों कि जो फुल एरिया है वो बराबर होगा इस पार्ट के एरिया के और इस पार्ट के एरिया के, तो इन दोनों को मैं इक्वल रख देता हूँ, और जैसे मैं इक्वल रखता हूँ तो इससे हमारा रिजल्ट आता है कि जो एफ ई है यानी कि बीच की जो रेखा है वो है 1/2 ए प्लस बी बाई 2 के। तो यही हमारा हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यिका के ऊपर, और माध्यिका का सिंपली मैंने आपको अपनी वीडियो में, जब मैंने आपको सांख्यिकी की वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको मीन मोड मीडियन तीनों के विषय में बताया था। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप उसको देख सकते हैं कि जिसमें आप देखेंगे, तो इसको करने के लिए आप सिंपली देखेंगे कि सबसे पहले जो हमें आंकड़े दिए हैं उन सभी आंकड़ों को हमें आरोही अवरोही क्रम में लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में हम निकाल लगाते हैं, तो आरोही क्रम में 12, 13, 14, 16, 18 और 19, और इसमें हमें मध्यवापद होता है। मध्यवापद यानी कि ये दो इधर से छोड़ दीजिए, दो इधर से छोड़ दीजिए, तो मध्यपद हमारा ये होता है ये, तो मध्यवापद का आधा कर दीजिए यानी कि 14 प्लस 16 बाई 2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 15, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें तीनों का हमें कॉम्बिनेशन बताना था कि क्या उनका संबंध है, माध्यिका, बहुलक और माध्य का। तो जैसा कि
दोस्तों जो हमारा मीन माइनस मोड होता है वो 3 मीन माइनस मीडियन होता है, ये होता है। तो इससे यदि हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3, ये मीडियन 3 इधर ले लीजिए, तो ये मीन इधर आएगा, तो 3 माइनस मीन हो जाएगा प्लस मोड। तो इस तरह से 3 मीडियन बराबर होगा 2 मीन प्लस मोड। तो रिलेशन क्या होता है, 3 माध्यिका यानी कि 3 गुना माध्यिका यानी कि माध्यिका का 3 गुना बराबर होता है माध्य का दुगुना प्लस बहुलक के। तो ये हो गया इसका आंसर। और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर दिया है दोस्तों कौन सा, हमारा 3 माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो इस तरह से ये आगे पीछे करके इसको कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं और किसी भी रूप में पूछ सकते थे। तो वही इन्होंने पूछा है क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रभावी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का विक्रय मूल्य 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको करने के लिए सिंपली क्या है, एसपी हमने मान लिया 100 है, तो लॉस कितना हुआ 20% का। यदि लॉस 20 का हुआ तो लॉस बराबर क्या होगा, लॉस के केस में क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं, यानी कि क्रय मूल्य हमने माना क्रय मूल्य सीपी माइनस एसपी, तो यहाँ से सीपी निकाल लो, तो सीपी बराबर क्या होगा लॉस प्लस एसपी, तो यानी कि लॉस प्लस एसपी यानी कि कितना होगा 20 + 100 यानी कि 120। अभी 120 पर यानी कि सीपी पर हमें निकालनी है परसेंटेज, तो कितना होगा दोस्तों, सीपी पर यदि हम परसेंटेज निकालेंगे तो 20/120 × 100, तो ये होगा दोस्तों कितना 50/3, तो कितना है 50/3% लॉस होगा सीपी पर। तो सीपी पर निकाल लिया यानी कि सीपी मतलब क्रय मूल्य पर, तो इस तरह से 50/3 आया इसका आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, इस तरह से हमने 20 क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, सो दैट वे भी अपने क्वेश्चंस को मैच कर पाएँ और सॉल्यूशंस को पा पाएँ। दोस्तों ओनली ऑप्शंस देखने से मात्र से ही आपका जो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, इसलिए हमने इनको सॉल्यूशन किया है सो दैट आपका सेटिस्फेक्शन हो कि क्वेश्चन आपका गलत है सही है। मैंने इसमें 99.9% तक एक्यूरेसी बरती है, और यदि 0.1% इसमें कोई अशुद्धि हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं सो दैट आई कैन अपडेट दैट मिस्टेक। और दोस्तों इस तरह से आपके लिए ये चैनल काफ़ी अच्छा सिद्ध हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों साथ के साथ घंटे का निशान भी आएगा उसको भी आप प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको मेरे आने वाली जो भी वीडियो मैं इसके ऊपर अपलोड करता हूँ रिलेटेड टेट से रिलेटेड सीटेट से रिलेटेड या टीचर एग्जाम से रिलेटेड या बाकी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगी। और आपको दोस्तों इस चैनल से निश्चित ही सफलता मिलेगी। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।